विजय माल्या, जन्म से ही अमीर जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर सुविधा, हर आराम मौजूद था। उनके पिता विठ्ठल माल्या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने बेटे को भी उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। शराब के बिजनेस के वो वारिस थे, एक ऐसा बिजनेस जो उनके परिवार की पहचान बन चुका था। जवान विजय पैसे की दुनिया में आए। उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बिजनेस की बारीकियां सीखी। उन्होंने बहुत ही महंगे स्कूलों में पढ़ाई की, जहां उन्हें बेहतरीन शिक्षा और अनुशासन मिला। उन्हें कामयाबी के लिए तैयार किया गया। उनके मेंटर्स ने उन्हें बिजनेस की हर छोटी बड़ी बात सिखाई। बिजनेस की दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। हर कोई जानता था कि विजय माल्या एक दिन बड़ा नाम बनेंगे। माल्या 22 साल की उम्र में अपने पिता की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप में शामिल हो गए। ये उनके करियर की शुरुआत थी। सीखने में तेज, महत्वाकांक्षी और मेहनती, उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखा और अपने काम में निपुण होते गए। वो जल्दी ही तरक्की करते गए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 28 साल की उम्र में चेयरमैन बन गए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं था। एक विशाल साम्राज्य के जवान कप्तान, उन्होंने अपने नेतृत्व में कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। माल्या एक आकर्षक नेता थे। उनकी शख्सियत और बोलने का अंदाज लोगों को प्रभावित करता था। उन्हें अच्छी चीजों का शौक था। महंगे कपड़े ढे, बढ़िया खाना और शानदार इवेंट्स उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। आलीशान जीवन शैली उनकी पहचान बन गई। हर कोई उनकी रईसी और शानो शौकत की बातें करता था। महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, शानदार पार्टियां, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाने लगा। उनकी जिंदगी एक जश्न की तरह थी, जिसमें हर दिन एक नई खुशी थी। माल्या का बिजनेस दिमाग कमाल का था। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप को और भी क्षेत्रों में फैलाया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई नए बाजारों में प्रवेश किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस में हाथ आजमाया, चाहे वह शराब का व्यापार हो या खाद का। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। शराब की फैक्ट्री से लेकर खाद तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके व्यापारिक साम्राज्य की जड़ें गहरी और मजबूत थीं। उनका सबसे मशहूर ब्रांड किंगफिशर बियर एक राष्ट्रीय पहचान बन गया। यह ब्रांड न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हुआ। माल्या भारतीय ग्राहकों को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने ग्राहकों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों को बाजार में उतारा। उन्होंने किंगफिशर प्रीमियम लेगर बाजार में उतारा। यह एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक बड़ा दांव जो कामयाब रहा। इसने न केवल कंपनी की बिक्री बढ़ाई बल्कि ब्रांड की प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। इसने बाजार पर कब्जा कर लिया। लोग इसे पसंद करने लगे और यह हर किसी की पहली पसंद बन गई। ये लोगों की चाहत बन गई। किंगफिशर बियर ने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बिजनेस के अलावा माल्या ने एक शानदार व्यक्तित्व बनाया। उनकी जीवन शैली और व्यक्तित्व ने उन्हें एक आइकन बना दिया। उनकी खुद की फॉर्मूला वन टीम थी। यह उनके खेल प्रेम और जीवन के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। उन्हें क्रिकेट का शौक था और उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल टीम खरीद ली। उन्होंने जिंदगी जमकर जी। उनके जीवन का हर पल एक उत्सव था। पूरी दुनिया उनका खेल का मैदान थी। वे जहां भी जाते अपनी छाप छोड़ते। माल्या का करिश्मा अद्भुत था। उनके व्यक्तित्व ने लोगों को आकर्षित किया और उन्हें एक प्रेरणा बना दिया। उनका व्यापारिक साम्राज्य फलता फूलता रहा। उन्होंने अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो कामयाबी की मिसाल थे। उनकी सफलता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। किसी को पता भी नहीं था कि एक तूफान आने वाला है। उनके जीवन में आने वाले इस तूफान ने सबको चौंका दिया। 2000 के शुरुआत में भारत का विमानन क्षेत्र उड़ान भर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई इस उद्योग में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। माल्या हमेशा की तरह मौके की तलाश में ने इसमें संभावनाएं देखी। उन्होंने इसे एक सुनहरा अवसर माना और तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। यह एक भव्य उद्घाटन था जिसमें कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इसका लक्ष्य अमीर लोगों को अपनी सेवाएं देना था। किंगफिशर एयरलाइंस ने खुद को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसने विलासिता और आराम का वादा किया। यात्रियों को बेहतरीन अनुभव देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। किंगफिशर एयरलाइंस तुरंत हिट हो गई। यात्रियों ने इसकी सेवाओं की बहुत सराहना की और यह जल्दी ही लोकप्रिय हो गई। सेवाएं लाजवाब थीं।
अनुभव अतुलनीय। यात्रियों को स्वादिष्ट भोजन और बेहतरीन सेवा का आनंद मिलता था। यात्रियों के साथ राजाओं जैसा व्यवहार किया जाता था। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता था। यह हवाई यात्रा को नया रूप दे रहा था। किंगफिशर ने हवाई यात्रा के मानकों को ऊंचा कर दिया था। माल्या ने एयरलाइन में खूब पैसा लगाया। उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इसे सबसे बेहतरीन बनाना चाहते थे। किंगफिशर एयरलाइंस के विज्ञापन भी बहुत आकर्षक थे। कोई भी खर्चा करने से नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने हर संभव संसाधन का उपयोग किया। उन्होंने बिल्कुल नए एयरबस A380 विमानों का ऑर्डर दिया। यह एक बड़ा कदम था जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता था। यह उनकी मंशा का स्पष्ट संकेत था। वे किंगफिशर को एक वैश्विक ब्रांड बनाना चाहते थे। किंगफिशर आसमान पर राज करने आया था। यह एक नई शुरुआत थी जो भारतीय विमानन उद्योग को बदलने वाली थी। माल्या की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह किंगफिशर को एक वैश्विक खिलाड़ी बनाना चाहते थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की। उन्होंने एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया, जो एक सस्ती विमान सेवा थी। उनका लक्ष्य भारतीय विमानन बाजार पर अपना दबदबा बनाना था। एयर डेक्कन का अधिग्रहण एक रणनीतिक भूल साबित हुआ। कम लागत वाला मॉडल किंगफिशर के प्रीमियम ब्रांड से मेल नहीं खाता था। मुनाफा कम होने लगा, नुकसान होने लगा। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने और भी मुश्किलें पैदा कर दी। ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी। यात्रियों की संख्या में गिरावट आई। किंगफिशर, जो कभी विलासिता का प्रतीक था, अब खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। भाग 5, उथल पुथल और परेशानी, अंत की शुरुआत। 2010 तक किंगफिशर एयरलाइंस बहुत बड़ी मुसीबत में थी। कर्ज का पहाड़, सैलरी में देरी, उड़ाने रद्द, कभी चमकने वाला सितारा अब डूब रहा था। हालांकि माल्या आशावादी बने रहे। उनका कहना था कि एयरलाइन अस्थाई परेशानियों का सामना कर रही है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने हालात सुधारने का वादा किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। सरकार ने एक निजी एयरलाइन को बेलआउट देने से इनकार कर दिया। बैंक और पैसे उधार देने को तैयार नहीं थे। कर्मचारी विरोध कर रहे थे। सब कुछ साफ दिख रहा था। भाग 6, कर्ज का जाल और पतन किंगफिशर एयरलाइंस का क्रैश। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। एयरलाइन पूरी तरह बंद हो गई। हजारों कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं। बैंकों का पैसा डूब गया। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे। जांच शुरू की गई। माल्या पर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया गया। उन पर लोन न चुकाने का आरोप लगाया गया। माल्या ने खुद को बेगुनाह बताया। उनका दावा था कि वह परिस्थितियों के शिकार है। उन्होंने अपना नाम साफ करने की कसम खाई, लेकिन जनता का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। भाग 7, शिकंजा कसता है, आरोप, जांच और गिरफ्तारी। भारत सरकार ने माल्या के लेन देन की पूरी जांच शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या CBI इस मामले में शामिल थे। माल्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया। माल्या ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनका दावा था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनका कभी सराहा जाने वाला रुतबा धूमिल हो गया। अब वह एक अछूत बन चुके थे। 2016 में एक विशेष अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, लेकिन माल्या जा चुके थे। वह यूनाइटेड किंगडम भाग गए थे। भाग 8, न्याय से भागना, माल्या भगोड़ा बन गया। माल्या के ब्रिटेन भागने से भारत में गुस्सा फैल गया। उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। सरकार ने उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई। माल्या ने ब्रिटेन से अपनी बेगुनाही का दावा जारी रखा। उनका दावा था कि वह राजनीतिक बदले की भावना का शिकार है। उन्होंने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की। प्रत्यर्पण की लड़ाई एक लंबी और कठिन प्रक्रिया बन गई। दोनों देशों की कानूनी टीमें इसमें शामिल थीं। मामला सालों तक चला। भाग 9, वापसी का लंबा रास्ता, प्रत्यर्पण के प्रयास और कानूनी लड़ाइयां। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण के लिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने माल्या पर लगे आरोपों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके कथित अपराधों के सबूत दिए। उन्होंने मुकदमे का सामना करने के लिए उनकी वापसी की मांग की। माल्या की कानूनी टीम ने प्रत्यर्पण का विरोध किया। उन्होंने भारत में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। ब्रिटेन की अदालतों ने पेश किए गए सबूतों की जांच की। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया।
न्यायाधीश ने प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन माल्या को अपील करने का अधिकार था। भाग 10, एक कलंकित विरासत, बिजनेस टाइकून से लेकर कर्ज न चुका पाने वाले की कहानी। विजय माल्या की कहानी महत्वाकांक्षा और हद से ज्यादा खर्चीली जिंदगी की कहानी है। ये एक सबक है कि कैसे किस्मत रातों रात बदल सकती है। कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से मशहूर वह कॉरपोरेट विफलता का प्रतीक बन गए। माल्या के कार्यों के दूरगामी परिणाम हुए, हजारों कर्मचारियों की आजीविका छिन गई, बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय सरकार को सब कुछ ठीक करना पड़ा। उनकी कहानी कॉरपोरेट गवर्नेंस के महत्व की याद दिलाती है। यह जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों पर जोर देती है। भाग 11, अनिश्चित भविष्य, विजय माल्या का क्या होगा। 2024 तक विजय माल्या ब्रिटेन में है और प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी कानूनी लड़ाई जारी है। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। भारत सरकार उन्हें वापस लाने की ठान चुकी है। वे सभी कानूनी रास्ते अपना रहे हैं। वे चाहते हैं कि उन पर भारत में मुकदमा चले। क्या उन्हें कभी भारत में न्याय का सामना करना पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा।